रफ्तार और धार का नया वार जल्द आ रहा है। सुबह 8 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक अहम खबर के साथ। सिमी के 8 आतंकी जेल प्रहरी की हत्या कर फरार हो गए हैं। इन पर अलग अलग मामलों में केस चल रहे थे, इनमें से 4 पहले ही खंडवा जेल से भाग चुके थे। क्या और जानकारी मिल पा रही है? मनोज शर्मा हमारे सहयोगी इस बाबत हमें और जानकारी दे रहे हैं इस पूरे मसले पर। मनोज, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मसले को लेकर? बड़ी खबर है क्योंकि सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच पहली बार ये खबर आई कि 4 आतंकी भागे हुए हैं। उसके बाद जब पता चला तो एक जेल प्रहरी है, जेल प्रहरी की हत्या की गई है और हत्या करने के साथ साथ जो 8 आतंकी भागे हैं ये वो आतंकी हैं जिनके ऊपर देशद्रोह के मामले चल रहे थे और सिमी के सारे आतंकवादी उनके ऊपर भोपाल की अदालत में केस चल रहा था। साथ ही साथ इनमें से 4 आतंकी ऐसे हैं जो पहले भी खंडवा की जेल से फरार हुए थे। इनमें से 3 शोलापुर के बताए जा रहे हैं, 3 खंडवा के बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ 1 आतंकी जो है वो जैन का रहने वाला है। तो इस तरह से 8 आतंकी सिमी के भोपाल की जो सेंट्रल जेल है उसकी दीवार फाड़ कर भागे हैं। इन्होंने बड़ी कमाल की बात है, बड़ी अजीब बात है मनोज, एक साथ 8 आतंकी सिमी के इस तरह से फरार हो जाते हैं और पता भी नहीं चल पाता है किसी को, मतलब कितना बड़ा फेलियर अगर जेल प्रशासन का देखे तो। जो आप एक देखिए कि जो मौका जिस तरह के जो मौका ताड़ा जिसे कहें हम, दीपावली की रात थी, रात में 3:30 बजे तकरीबन 3:30 बजे की घटना बताई जा रही है और इन लोगों ने पहले जो चादर होती है, मतलब गलती तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जेल प्रशासन की दिख रही है कि अगर इसने सिमी के 8 आतंकी जेल में बंद है तो उस हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, तो वो सुरक्षा के इंतजामों में कमी थी और जिसकी वजह से इतनी बड़ी 8 आतंकी भागने में कामयाब हुए हैं। बिल्कुल मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये इस वक्त की एक अहम खबर, सिमी के 8 आतंकी जिस तरह से हमारे सहयोगी मनोज हमें इस बाबत जानकारी दे रहे हैं, 8 आतंकी सिमी के जेल प्रहरी की हत्या कर फरार हो गए हैं। अब अलग अलग मामलों में इनमें केस चल रहे थे, इनमें से जो 4 हैं वो पहले ही खंडवा जेल से भाग चुके थे। तो अब क्या कुछ और उनकी धरपकड़ के लिए वापस हो रहा है मनोज? हमने जो हमारी जो बातचीत हुई है भोपाल के SSP है अरविंद सक्सेना, उनके मुताबिक पूरे शहर की नाकाबंदी की गई है और जो आसपास के तमाम इलाकों में इस बात की सूचना दे दी गई है क्योंकि भागने का जो पिछली बार जो भागे थे खंडवा जेल से भागे थे तो जो उनकी गिरफ्तारी थी उसकी गिरफ्तारी में काफी वक्त लगा था और जाहिर सी बात है कि वो सुबह 4 बजे की जब निकले हैं तो काफी दूर निकले होंगे और जो पूरा एक बात साफ तौर पर जो SSP कह रहे हैं कि पूरा षड्यंत्र के तहत हुआ है, साजिश के तहत हुआ है क्योंकि जो जेल की चादर होती है उसकी मदद ली गई, जेल की चादर निकाली गई, जो पेड़ की टहनियां होती हैं उनको आपस में जोड़ा गया और इस तरह से दीवार को फांदा गया, मतलब पूरी एक योजना के तहत, एक साजिश के तहत। मनोज, कैसी भी साजिश हो, कैसी भी योजना हो, लेकिन क्या उनकी योजना या वो ज्यादा होशियार साबित हो रहे हैं? अगर यहाँ जेल प्रशासन की हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह का फेलियर, मतलब वो आपसे ज्यादा एडवांस है या वो आपसे ज्यादा सोच पा रहे हैं यहाँ पर? वाकई आप बिल्कुल सच कह रही हैं क्योंकि अगर 4 आतंकी इसमें ऐसे हैं जो खंडवा से एक बार पहले भाग चुके हैं, मतलब वो आतंकी जो एक बार जेल से भाग चुके हैं उनको दोबारा प्रदेश की सबसे अच्छी जेल राजधानी की सेंट्रल जेल में रखा गया और दोबारा अगर वो भागने में कामयाब हुए हैं तो जेल प्रशासन जो है उस पर सवाल उठते हैं, साथ ही साथ सवाल उठते हैं पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर कि अगर जो आतंकी हैं जिनके ऊपर देशद्रोह के मामले चल रहे हैं वो एक बार नहीं दो बार जेल से भागने में कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल, तो कितना बड़ा फेलियर ये देखा जा सकता है, अब ये हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमें यहाँ पर लगातार बता रहे हैं। 8 आतंकी सिमी के फरार हो जाते हैं, जो सुरक्षा वहां पर जो पहरेदार था उसका कत्ल करके उसकी हत्या करके फरार हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अभी ये पहली बार ऐसा हुआ हो, इससे पहले भी इन लोगों ने भागने की कोशिश की थी, पहले ये 4 बताए जा रहे थे और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इससे 8 आतंकी ये जो सिमी के हैं ये फरार हो गए हैं। एक सुरक्षा कर्मी की हत्या कर ये फरार हुए हैं, अलग अलग मामलों में इनमें केस चल रहा है। अब फिर आखिर कैसे ये लापरवाही हो गई, कहां ये चूक हो गई, ये एक बड़ी यहां पर बात है। जेल प्रशासन पर यहां ऐसे में सवाल उठते हैं। तो अलग अलग मामलों में ये जेल में बंद थे, अब उसके बाद जेल की जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पहले भी ये लोग भागने की कोशिश कर चुके थे, इससे पहले भी इन्होंने ये कोशिश की थी, फिर क्यों नहीं आखिर खास एहतियात बरती गई? मनोज,
एहतियात की कमी जाहिर तौर पर दिख रही है। अभी जो हमसे जो दोबारा जानकारी में भी अरविंद सक्सेना जो SSP है के मुताबिक तीन खंडवा जेल से जो पहले बंद थे तीनों उनमें से एक भाग है। एक शोलापुर का आतंकी जो खंडवा जेल में बंद था वो चौथा, मतलब चार जो पहले बंद थे खंडवा की जेल से और वहां से भागे थे जिनको दोबारा पकड़ा गया था, ऐसे चार आतंकी भागे हैं। चार नए आतंकी भागे हैं तीन के जिनके ऊपर भोपाल की अदालत में पेश चल रहे थे। इस तरह कुल आठ आतंकी हैं, तीन खंडवा से, तीन शोलापुर से, एक गुजरात से और एक उज्जैन से। और रमा शंकर सिंह नाम का जो जेल प्रहरी था उसकी हत्या की है, बकायदा गला रेत का हत्या की है और चादर से जो दीवार बांधने के लिए चादरों का इस्तेमाल हुआ है। अब जो पुलिस कह रही है कि हमने रेलवे स्टेशन पर और साथ ही साथ बस स्टैंड पर और भोपाल से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर नाकेबंदी की है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ज्यादा दूर ना निकल पाए, क्योंकि घटना सुबह 3:30 बजे की बताई जा रही है। तो पुलिस की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उनको दोबारा पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन जो गलती है वो मनोज आप जिस तरह से बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों से, तो ऐसे में जरूर कोई इनमें मीडिएटर कोई ऐसा था या कोई ऐसा था जो इस ओर भी सूचना पहुंचा रहा था, इस ओर भी सूचना पहुंचा रहा था, मतलब कि पता था, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये पूरी एक साजिश थी, तो कोई तो एक ऐसा था जो सबको जानता था, सबसे कॉन्टेक्ट में था और सबको उस बाबत जानकारी वो दे रहा था। पुलिस खुद पुलिस इस बात को मान रही है कि घटना जो हुई है वो एक साजिश के तहत हुई है, एक षड्यंत्र के तहत हुई है। ऐसा नहीं कि सुबह 3:30 बजे घटना हुई और एक घंटे पहले तय कर दिया कि हमको जेल छोड़कर भागना है। बकायदा साजिश के तहत बकायदा चादरों को पहले से निकाल कर उनको एक तरफ रखने का इंतजाम किया गया था। बकायदा पहले से जो पेड़ की टहनियां हैं उनको काट कर रखा गया था, मतलब बीते कुछ दिनों से वो अपने भागने की तैयारी कर रहे थे। और उन्होंने दीपावली की रात का मौका, जिसे कहें कि ये एक ऐसा मौका मिला जब उनको लगा कि हाँ इस मौके का फायदा उठाया जा सकता है, तो सारे आतंकियों ने, आठों आतंकियों ने दीपावली की रात का फायदा उठाया और भागने में कामयाब हुए। बिल्कुल मनोज आप हमारे साथ बने रहिए, यही वो तस्वीरें हैं सिमी के, वो आठ आतंकी जो सुरक्षा कर्मी की हत्या करके भाग निकले। दिवाली का चूंकि कल दिन था तो कल के इस दिन का फायदा उठाने की इन्होंने कोशिश की। यही वो आतंकी, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, आप ठीक तरीके से इनको देखिए, पहचान लीजिए, यही आतंकी भोपाल सेंट्रल जेल से फरार हुए हैं। खुद पुलिस भी इस को मान रही है कि यहाँ एक बड़ी साजिश हुई है, एक बड़ी योजना जिसके तहत इस पूरे वाकये को अंजाम दिया गया और ये लोग भागने में सफल रहे। एक जेल प्रहरी जो सुरक्षा कर्मी है उसकी हत्या कर ये फरार हुए। इससे पहले भी इन्होंने भागने की कोशिश की थी लेकिन उस वक्त वो कामयाब नहीं हो पाए थे। अब यहां पूरा एक प्लान बनाया गया, बाकायदा काफी दिनों से, काफी महीनों से इसकी पूरी प्लानिंग हो रही थी और खास तौर पर दिवाली के इस दिन को चुना गया। मनोज कहीं इसका मतलब यह बताता है कि दिवाली का यह दिन, खास तौर पर त्योहार का यह दिन चुना गया, इसका मतलब कि सुरक्षा उस वक्त उतनी कड़ी वहां पर नहीं होती है, इसीलिए जानकर ये जो दिन है वो चुना गया। बिल्कुल सही, दीपावली की रात का इसी बात का फायदा इन आतंकियों ने उठाया है, क्योंकि जो सभी लोग त्योहार के माहौल में होते हैं, मूड में होते हैं, जेल में भी बाहर की तरफ दीपावली मनाई जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, फुलझड़ियां जलाई जाती हैं, तो इस दीपावली की रात का, दिवाली की रात का फायदा जाहिर तौर पर आतंकियों ने उठाया। लेकिन एक जो अहम बात सामने आ रही है कि इसके पहले जब इनके पकड़ने में जो पुलिस ने जो मशक्कत की थी, आखिर पुलिस अपनी ही मशक्कत को याद नहीं रख पाई, क्योंकि पहले खंडवा जेल में बंद थे तब इन आतंकियों को दोबारा पकड़ा गया था, तो पुलिस ने अपनी बड़ी कामयाबी बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमने खंडवा जेल से भागे हुए चार आतंकियों को दोबारा पकड़ लिया। मैं लौटती हूँ मनोज, मैं लौटती हूँ, लेकिन इस बीच MP के गृह मंत्री जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, आइए पहले हम ये सुनवा देते हैं। जो प्रबंध होना चाहिए निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25-26 को ही, मुख्यमंत्री जी ने बार बार इस बात को कोट किया कि जेल की व्यवस्था पर हमारी नजर होना चाहिए, हमारी मजबूती होना चाहिए, वहाँ पर जो भी CCTV वगैरह है, दीवारें हैं, ये सारी चीजें इसको पूरा देखना चाहिए और उसके बाद ये 26 के बाद ही ये 3-4 दिन में घटना हो गई है। तो मुख्यमंत्री जी के बार बार इस बात को, उनका इशारा बार बार, वो कहीं ना कहीं उनको अलर्ट था तो उसके बाद भी लापरवाही हुई है जी। दरअसल परिस्थितियां बहुत संजीदा रही सर, के जो आतंकी हैं उनके कनेक्शन मिलते रहे, जो उच्चायुक्त में आतंकी था उसका कनेक्शन यहां पर मिल रहा है और उसके बाद इस तरीके की घटना हो गई, कैसी तब्दीली आप बतौर गृह मंत्री सोचते हैं कि आप सिक्योरिटी को लेकर हो जानी चाहिए?
देखिए निश्चित रूप से जेल की हमारी बहुत मजबूत सुरक्षा होना चाहिए और जो इस तरह के आतंकवादी हैं उनको एक ही जगह आठ आठ एक बैरिक में या एक साथ आठ आठ आतंकवादियों को नहीं रखा जाना चाहिए जी। इनको अलग अलग होना चाहिए। एक साथ जब ये ग्रोह में होते हैं तो इनको प्लानिंग करने में सुविधा होती है जी। और इसलिए ये नहीं होना चाहिए और इसको लेकर अब सरकार पूरी समीक्षा करेगी जी। सिक्योरिटी रीजन देकर सर 30 से ज्यादा जो आतंकी थे उन्हें एक जगह रखा गया था सिक्योरिटी रीजन देकर। हाँ नहीं, वो सिक्योरिटी जेल भोपाल जेल को सबसे सुरक्षित जेल मध्य प्रदेश में माना जाता है जी। सेंट्रल जेल है, नई जेल बनी है और उसके बाद ये इसकी कैटेगराइज जो मुझे जानकारी है आतंकवादियों की ABC ऐसे कुछ करके कैटेगरी है बनाई हुई है जी। और ये बी कैटेगरी के आतंकवादी थे 8, इनको अलग अलग सेल में रखा गया था और इसमें एक सेल में एक साथ 8 लोगों को नहीं रखा जाना चाहिए था जी। और ये इसकी पूरी समीक्षा होगी जी जी और हम लोग पकड़ लेंगे जी। भूपेंद्र सिंह जी, आप तो क्विक एक्शन के लिए जाने जाते हैं, आपको कंप्लेंट मिलती है और क्विक एक्शन लिया जाता है, बतौर गृह मंत्री और जो आपका अधिकार क्षेत्र है, क्या तब्दीली नजर आने वाली आगे आने वाले दिनों में? नहीं, निश्चित रूप से देखिए लगातार हम लोग मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है और कभी भी कोई इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में नहीं होती। अब ये जेल के अंदर घटना हुई है और जेल के एक प्रहरी को हत्या करके लोग भागे हैं जी। और इसलिए अब वो उसमें जो भी आवश्यक प्रबंध है वो भी करेंगे और गिरफ्तार कर लेंगे हम लोग जल्दी। घेराबंदी पूरी चारों तरफ की गई है जी और पकड़ लेंगे जल्दी। दरअसल खंडवा का जो एक्सपीरियंस था ना सर, वो थोड़ा सा आपके कमिटमेंट को कमजोर कर रहा है। और तो चूंकि मैंने कहा कि आप क्विक एक्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन खंडवा से जिस तरीके से हुआ था वो नाकामी थी मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी। हाँ नहीं, निश्चित रूप से खंडवा एक अलर्ट था हम लोगों को और इसलिए फिर ये तय हुआ कि खंडवा छोटी जेल थी और इसलिए भोपाल सेंट्रल जेल है, सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत है, नई जेल बनी है, आधुनिक संसाधन वहाँ पर है, CCTV कैमरे लगे हैं, सब कुछ वहाँ पर है और उस सबको ध्यान में रख के सरकार ने भोपाल में इनको सेंट्रलाइज किया हुआ था जी। और उसके बाद भी घटना हुई है तो उसमें कहाँ क्या कमी रह गई है इसकी पूरी समीक्षा होगी, जाँच होगी और आगे इस तरह से घटना ना हो इसको लेकर और मजबूत प्रबंध मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह को आप यहां पर सुन रहे थे, जो कि ये बता रहे थे कि जो भोपाल जेल है वो सबसे सुरक्षित जेल है। सबसे सुरक्षित जेल में क्या हुआ है, सिमी के 8 आतंकी किस कदर एक योजना बनाकर, चाहे वो किस भी तरह से योजना बनाई हो, ये वो खुद भी मान रहे हैं कि आखिर क्यों उनको एक ही सेल में रखा गया था, नहीं रखा जाना चाहिए था, हालांकि उससे पहले सिक्योरिटी रीजन जो है वो दिए गए थे। तो ये तमाम चीजें हैं जो अब सामने निकल कर आ रही है। एक ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा। इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम बिंदुओं पर हम आगे चर्चा करेंगे।